आपका बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का बहुत बड़ा फैसला, जहां अनुसूचित जाति जनजाति में सब कैटेगरी बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का 6-1 से फैसला, जहां पर सीजीआई समेत 6 जजों का फैसले का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गया। सुशील, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने बहुत बड़ा फैसला अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुनाया है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझाइए। इसके सीधे तौर पर अगर इस पूरे फैसले को देखा जाए तो 2004 में एवी चिन्मैया मामले में एक फैसला आया था, जिसमें 5 जजों ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि SC ST की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों की नौकरी में आरक्षण देने के मामले में कोई भी सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इसी पूरे फैसले को 7 जजों की जो बेंच है उसने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों में वो सब कैटेगरी बना सकती है जिन कैटेगरी को ज्यादा आरक्षण का फायदा मिलेगा। यानी कि अगर नौकरी में आरक्षण के कोटे को डिसाइड करना है, यानी कि सब कोटा बनाना है, तो सब कोटा बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। यानी कि राज्य सरकार SC ST की जो जनजातियां हैं उनको नौकरी में आरक्षण देने के लिए जो सब डिवीजन है वो बना सकती हैं। बिल्कुल, सब डिवीजन बना सकती है और ये नौकरी में आरक्षण, हालांकि ये बात ये भी है कि जो SC ST कोटा है वो तो होता ही है, तो इसमें ये अंतर किस तरीके से समझ में आएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा और विस्तार से बताइए सुशील, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी रहने वाला है अभी। जी देखिए, सीधे तौर पर अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो SC ST के सब कैटेगरी, यानी कि जो आरक्षण की कैटेगरी में शामिल है, लेकिन SC ST की उन कौन सी कैटेगरी को ज्यादा आरक्षण का फायदा दिया जाए, अच्छा, ये राज्य सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पैसा जो है वो छोड़ने में कठिनाई होती है, और उस व्यक्ति, उस समाज के व्यक्ति को समाज की मूल धारा जोड़ने के लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर फायदा पहुंचाने के लिए अतिरिक्त आरक्षण का लाभ राज्य सरकार को दे सकती है, ताकि जो निचले स्तर के जो SC ST जनजाति के लोग हैं उनको अपने उस व्यापार को छोड़कर समाज के मूल धारा में जोड़ा जा सके। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ के समाज के साथ अपने को लेकर आना। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर करूं करेंगे। IAS निजाय खान के उपन्यास पर विवाद हो रहा है, वॉर ऑफ कलयुग में सनातन धर्म का मुद्दा उठा, उपन्यास में सनातन राष्ट्र का समर्थन किया, सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा देंगे, पूजा पाठ करेंगे, जीवन को प्रकृति के निकट लाया जाएगा, सनातन की राह में बॉलीवुड सबसे बड़ी बाधा है, उपन्यास में देश में सनातन पति की जरूरत बताई गई है। तो खबर भोपाल से, जहां पर IAS निजाय खान के उपन्यास पर विवाद हो रहा है। दरअसल वॉर ऑफ कलयुग में सनातन धर्म का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें उपन्यास में सनातन राष्ट्र का समर्थन करते हुए सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा देंगे, पूजा पाठ करेंगे, जीवन को प्रकृति के निकट लाया जाएगा, सनातन की राह में बॉलीवुड सबसे बड़ी बाधा, उपन्यास में देश में सनातन पति की जरूरत भी बताई गई है। और ये जो उपन्यास है इसमें अब विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, IAS निजाय खान के उपन्यास को लेकर अब विवाद हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, IAS नियाज खान ने अपना एक जो वार अगेंस्ट कलयुग उपन्यास लिखा है, उसमें एक परिकल्पना की है, शुभेंद्रु ब्राह्मण एक है पात्र, उसके हवाले से पूरे इस उपन्यास में काफी बड़े बातों को उठा दिया है और उसी पर विवाद खड़ा हो रहा है, उसी से नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। नियाज खान ने यह लिखा है कि अब देश में सनातन की स्थापना होना चाहिए, इसके साथ ही जो जाति को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जातिगत जनगणना हो, जाति
को लेकर, आरक्षण को लेकर सवाल खड़े, और उस बीच ये कहा है कि देश में ब्राह्मण सर्वे सर्वा होना चाहिए और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को क्यों बड़े पद देने तक की बात कही है। यह भी कहा है कि जो ब्राह्मण है उनको सिर पर शिखा रखना अनिवार्य होना चाहिए, वो केवल जनेऊ और केवल धोती ही पहनेंगे। इसी के अलावा जो उन्होंने मुद्दे उठाए कि सनातन पति एक होना चाहिए देश में, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देगा, उनका भी सलाहकार होगा, ऐसा एक सनातन पति बनाना चाहिए जो ब्राह्मण ही होगा और यही तय करेगा कि देश में किस तरह लोकतंत्र और धर्म तंत्र के बीच। अब उन्होंने कहा है कि एक नया धर्म तंत्र हो और वो तय करे, वो सलाह देगा, उसके बाद बड़े फैसले हो, पार्लियामेंट में भी कोई फैसले लिए जाए तो इस सनातन पति से पूछकर बड़े फैसले लिए जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने उठा दी इस उपन्यास में। और दूसरा, उन्होंने इसमें जो फिल्मी कलाकार है उनको लेकर भी एक बड़ी बात कही है, ना केवल फिल्मी कलाकारों को लेकर, यह कहा कि बॉलीवुड को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल 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 शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से इस उपन्यास को लेकर अब काफी विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पर इंदौर से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल सुरक्षा खामियों पर 26 कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए हैं। दिल्ली हादसे के बाद न्यूज 18 ने ये मुहिम चला दी थी कोचिंग संस्थानों पर। न्यूज 18 की मुहिम अब रंग लेकर आई है, बेसमेंट में चल रहे तमाम कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिला प्रशासन नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है और जो बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चल रहे थे उन्हें सील कर दिया गया, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी यंत्र मौजूद नहीं थे। जो तय पैरामीटर्स होते हैं उस पर कहीं भी खरा नहीं उतर रहे थे कई सारे कोचिंग संस्थान। बच्चों की जान के साथ साफ तौर पर खिलवाड़, बहुत बड़ा खिलवाड़, और अब यहां पर कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 ने इन खबरों को लगातार दिखाया था, जब से दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो उसके बाद से लगातार ऐसी कार्रवाई चल रही है। लगातार न्यूज 18 मुहिम चला रखी है कि जो जो बेसमेंट पे संस्थान चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, किस तरीके से न्यूज 18 की मुहिम रंग लेकर आई है? देखिए, न्यूज 18 की टीम दिल्ली हादसे के बाद लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। लगातार हम इंदौर से उस तस्वीर को भी हमने दिखाया है कि जहां पर छात्रों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वक्त मैं टावर चौराहे भी मौजूद हूं और उस दिन टावर चौराहे से लेकर भंवर कुआं के बीच की वो तस्वीर हमने न्यूज 18 देख रहे दर्शकों को हमने दिखाई थी कि किस तरीके से यहां पर ये कोचिंग संस्थान, ये लाइब्रेरी बने हुए हैं और किस तरीके से ये जो नियमों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है। और जिन तस्वीरों को हमने दिखाया था, जिन लाइब्रेरी को हमने दिखाया था, प्रशासन ने उस पर कार्रवाई कर दी है। मैं खुद वहां पर मौजूद था ग्राउंड जीरो पर, एक एक तस्वीर दिखाया था। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सड़क नहीं, सड़क से करीब 20 फीट 30 फीट नीचे ये लाइब्रेरी बनी हुई है, जहां पर बच्चों को मोटा पैसा वसूला जाता है। मोटी पैसा लेने के बाद में उन्हें लाइब्रेरी में बैठने की अनुमति दी जाती है, लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं होते हैं। जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी तो लोगों ने हमें उस तस्वीर को दिखाने से रोका था, कवरेज करने से रोका था, क्योंकि उन्हें पता था कि न्यूज 18 ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगी, इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आएगा और बड़ी कार्रवाई होगी। और जैसे उस तस्वीर को हमने दिखाया, उस खबर को दिखाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और उस कोचिंग संस्थान को और उस लाइब्रेरी को सील कर दिया जाता है, जहां पर सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, चाहे वो फायर सेफ्टी का हो, चाहे वो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं कि अगर आप नीचे तल घर में कोई भी बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोचिंग नहीं हो सकते। हालांकि अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में सबसे ज्यादा, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोचिंग जो है इंदौर में, सबसे ज्यादा कॉलेजेस इंदौर में, सबसे ज्यादा हॉस्टल इंदौर में और सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या भी इंदौर में, इसे एजुकेशन हब कहा जाता है। और महज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में लगभग 500 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, 50 से ज्यादा ऐसे लाइब्रेरी थे जो तल घर में बने हुए हैं, लेकिन अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और सिर्फ भंवर कुआं, टावर चौराहा, राजीव गांधी चौराहे नहीं, LIC, विजयनगर, पलासिया, गीता भवन, तमाम हर क्षेत्र जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं वहां पर निगरानी की जा रही है, पहुंच के जांच की जा रही है और जो भी कुछ खामियां मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और
लगभग 3 दर्जन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है, 25 से ज्यादा जो लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान है उन्हें सील किया जा चुका है। तो लगातार ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 की टीम मौजूद है और हर बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है और अब खबर इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रो के लिए DPR सर्वे शुरू हो चुका है। दरअसल सिंहस्थ में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। DMRC की टीम ने रूट का जायजा लिया जहां पर इंदौर से उज्जैन महाकाल रूट का निरीक्षण भी किया गया है और जल्द ही मेट्रो चलाने की बात कही जा रही है। संवाददाता मिथिलेश लगातार जुड़े हैं। मिथिलेश, अब इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो के लिए DPR सर्वे शुरू हो चुका है। बिल्कुल, DPR का सर्वे शुरू हो चुका है और DMRC के अधिकारियों ने कल पूरे रूट का सर्वे कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले कहा था कि सिंहस्थ की तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेगी और सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर और उज्जैन के बीच में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी। और देखिए, श्रद्धालुओं के लिए, शिवभक्तों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात भी होने वाली है। बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से सिंहस्थ में उज्जैन पहुँचते हैं, माँ छिपरा के तट पर पहुँचते हैं और अभी से उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई है क्योंकि 2028 में सिंहस्थ का मेला उज्जैन में लगना है। और देखिए, इंदौर के अंदर अभी इस वक्त जो मेट्रो प्रोजेक्ट काम है वो काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन लोकुश चौराहे से लेकर उज्जैन तक के बीच में DPR का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। DMRC के अधिकारियों ने एक एक रूट का मौका मुआयना कर लिया है, किस रूट से रेलवे ट्रैक को निकाला जाएगा, किस रूट पे पटरियां बिछाई जाएंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंदौर में जहां मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, छठा जो डिपो है वो भी गुजरात से इंदौर पहुंच चुका है। कई बार इंदौर में ट्रायल भी हो चुका है, जो उसकी रफ्तार है 100 से ज़्यादा रफ्तार मेट्रो ट्रेन इंदौर के मेट्रो लाइन पर दौड़ भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन मोहन सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया था कि जैसे ही सिंहस्थ आएगा उसके पहले बड़ी तैयारियां शुरू करनी है और तैयारियों के निर्देश खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया था और अधिकारियों को निर्देश मिलने के बाद में इस वक्त तेजी से तैयारियां शुरू हो चुकी है और युद्ध स्तर पर यह तैयारियां करनी पड़ेगी क्योंकि समय जो है वो काफी कम बचा हुआ। लेकिन इंदौर और उज्जैन के बीच में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की सारी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द DPR सर्वे शुरू होने के बाद में बहुत जल्द इन पर काम होता हुआ नजर भी आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से बहुत ही जल्द काम आपको नजर भी आने वाला है और हो सकता है कि जल्दी सौगात मिल जाएगी। MP के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा स्थित दाहोद डैम का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने डैम में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से डैम की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। इस दौरान संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, जब मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हुए थे डैम का जायजा लेने के लिए यहाँ पर, क्योंकि तमाम जो डैम है वह भरते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से पानी की व्यवस्था किया जाना है, कब गेट खोले जाने हैं, तमाम चीजों का जायजा लेते हुए मंत्री तुलसी राम सिलावट नजर आए। नहीं, इधर से कभी इधर आया कि नहीं। तो मंत्री तुलसी सिलावट ने डैम का जायजा लिया है और ये तस्वीरें उस दौरान की जब मंत्री जी पहुंचे हुए थे डैम में। और आप ये देखिए कि जब जब डैम भर जाता है तब पानी छोड़ा जाता है, वो प्रक्रिया भी आगे चल के होगी क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 7% जरूरत से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी कि जो डैम है वो भर चुके हैं और ज्यादा ओवरफ्लो जब होंगे उस कगार पर पहुंचेंगे तो जल्दी गेट खोले जाने की जो प्रक्रिया है वो भी होगी। अभी 2 से 3 दिन तक बारिश को लेकर जरूर थोड़ी सी राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बनता हुआ नजर आ रहा है, नया सिस्टम अपडेट हो रहा है और इसके चलते और बारिश का अनुमान 3 से 4 दिन बाद लगाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिन बारिश थमने के बाद फिर से झमाझम बारिश होने वाली है और इससे जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ेगा। अधिकारियों से दाहोद डैम की जानकारी मंत्री तुलसी सिलावट लेते हुए नजर आए हैं और इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि किस तरीके से व्यवस्थित रखना है जल को बचाने के लिए, जल को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि साल भर ये बारिश का पानी ही है जो लोगों के लिए जीवन प्रदान कर।
करता है। अधिकारियों से दाहोद डैम की जानकारी लेते हुए मंत्री तुलसी सिलावट नजर आए हैं। रायसेन पहुंचे हुए थे जब उन्होंने डैम का जायजा लिया। खंडवा में जावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। जहां आग की चपेट में आए लेबर रूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए, वहीं पूरा अस्पताल धुआं धुआं हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। गनीमत ये रही कि यहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाई और आग को बुझाने में जुट गए। समय रहते आग को बुझा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई इसमें झुलसा नहीं है, सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सामान में आग लगी है, सामान जरूर यहां पर खराब हुए हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत ये रही कि मौके पर कोई इसमें झुलसा नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की बात कही जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर में जो है लगभग जो है एकदम हाई वोल्टेज आया, जिसके कारण जो है लेबर रूम के फ्रिज में, एसी में, वहाँ के लेकर जो वार्मर है, उन तीनों में एकदम से आग लगी वहाँ पे। और फिर जो है हमारे जो कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट है और हमारा जो वार्ड बॉय वगैरह है, ये लोग तुरंत आके और उसको जो है फायर एक्सक्यूज से आग बुझाई और हमने सब कुछ सीखा भी। और अब मुरैना से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट के बिजली सप्लाई रूम में आग लगने का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली सप्लाई रूम में आग लग गई। प्रधान आरक्षक और आग गार्ड ने आग को काबू किया और समय रहते इस आग को बुझा लिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, मुरैना का पूरा मामला है, जब कलेक्ट्रेट के बिजली सप्लाई रूम में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली सप्लाई रूम में आग लगने का मामला है। प्रधान आरक्षक और गार्ड ने आग पर काबू पा लिया। भिंड में बीजेपी नेता रमेश त्यागी का मकान गिराने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी रमेश त्यागी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद वो स्थानीय प्रशासन पर जमकर बरसते हुए नजर आए। चौधरी मुकेश सिंह चौधरी ने कहा कि प्रशासन ने कांग्रेस का एजेंट बनकर कार्रवाई की है और बीजेपी को बदनाम करने के लिए अवैध तरीके से रमेश त्यागी का घर तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से की जाएगी। खबर हरदा से, जहां बेकाबू कार ब्रिज से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए हैं, 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। सभी घायल जिला अस्पताल भर्ती किए गए हैं। कोतवाली क्षेत्र के पीड़ गांव के पास ये हादसा हुआ है। बैतूल के चिचोली के बताए जा रहे हैं सभी घायल। बड़ी खबर है हरदा से, बेकाबू कार ब्रिज से टकराई, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। सूरजपुर में घर में लगी भीषण आग, इसी भवन में कई दुकानें भी हैं। घर के लोगों ने बाहर निकलकर जान बचा ली। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। गनीमत ये रही कि यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते सभी लोग घर से बाहर निकल आए हैं और आप देखेंगे कि इसी बिल्डिंग में, इसी एक बिल्डिंग में कई सारी चीजें संचालित हैं। कुछ दुकानें भी हैं, बच्चों का प्लेइंग जोन भी है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। कुछ दुकानें भी बताई जा रही हैं, एक फैमिली, कुछ परिवार भी यहाँ पर रहते हैं। हालांकि जब ये आग लगी तो तुरंत सब लोग बाहर आ गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि, कोई झुलसा नहीं है। समय रहते इस आग को बुझा लिया गया है। घर में आग लगी थी और सूरजपुर का पूरा मामला है। देखते ही देखते आग फैलने लगी, लेकिन इसके पहले ही लोगों ने इसे बुझा दिया। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में हमला करने वाले बंदी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बैरक नंबर 8 में धारदार ब्लेड से बंदी ने दूसरे बंदी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी बंदी के खिलाफ मुख्य प्रहरी ने कराई एफआईआर। केंद्रीय जेल में लूडो खेलने के दौरान विवाद हुआ था। मणिपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर सेंट्रल जेल में हमला करने वाले बंदी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बैरक नंबर 8 में धारदार ब्लेड से बंदी ने दूसरे बंदी पर जानलेवा हमला किया था।
दुर्ग में ट्रेन में मिला लाखों का गांजा, वॉल्टियर ट्रेन में लाखों का लावारिस गांजा मिला है, वॉशिंग लाइन में सफाई के दौरान मिला 36 किलो गांजा। आरपीएफ ने दर्ज किया केस, जब्त गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है, 7,20,000 रुपए बताई जा रही है, जो कि लावारिस हालत में गांजा मिला था और आरपीएफ ने इसे जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही, 36 किलो गांजा बताया जा रहा है। वहीं बिलासपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण, आरोपी को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण, आरोपी को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर बिलासपुर से है। जशपुर में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत का मामला सामने आया, हाथी ने 4 घरों को तोड़ दिया, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाके में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के बिलासपुर रेंगार घाट डूमर डांड में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। खबर जशपुर से आपको दे रहे हैं, जहां हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई, हाथी ने 4 घरों को तोड़ दिया, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाके में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के बिलासपुर रेंगार घाट डूमर डांड में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। तो वही पेंड्रा में दंतैल हाथियों का उत्पात जारी है, फसलों को नुकसान पहुंचाया, हाथियों ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। मरवाही के जंगल में घूम रहा है हाथियों का दल, वन विभाग रख रहा है हाथियों पर नजर, बारिश की वजह से वन विभाग को परेशानी भी हो रही है। बड़ी खबर पेंड्रा से आपको दे रहे हैं, जहां दंतैल हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, फसलों को नुकसान पहुंचाया गया, हाथियों ने धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है, मरवाही के जंगल में ये हाथी घूम रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जंगल में छोड़ा गया। बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया के बाद अब डेंगू का खतरा, डायरिया के 9 और मलेरिया के 5 नए मरीज। पेंड्रा में दंतैल हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने धान की फसल को पहुंचाया नुकसान। भिंड में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, स्कूल में छात्रों की पिटाई मामले में शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज, 12 से ज्यादा छात्रों ने की थी शिकायत। सूरजपुर में घर में लगी भीषण आग, घर के लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान, आग लगने की जांच में जुटी पुलिस। बैतूल के जिला अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, अस्पताल में फैली गंदगी पर भड़के कलेक्टर। उज्जैन में कोचिंग सेंटर सील, फ्रीगंज इलाके में की कार्रवाई, समर्पण कोचिंग सेंटर को किया गया सील। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, इलाज के लिए घूस मांगने वाले डॉक्टर को थमाया नोटिस, रायपुर के आयुष संचालक ने जारी किया नोटिस। बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर से डायरिया का कहर, सिसदेवरी गांव में 30 से ज्यादा मरीज मिलने से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। विशेष पुलिस महानिदेशक भोपाल बनाए गए आलोक रंजन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, 1991 बैच के IPS हैं आलोक रंजन। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में हमला करने वाले बंदी पर FIR दर्ज, केंद्रीय जेल में लूडो खेलने के दौरान हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के जंगल में जंजीरों में बंधी मिली महिला, अमेरिकी महिला, जेल में मिला पासपोर्ट, पुलिस ने मामले की जांच के लिए गठित की 3 टीम। छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी महतारी बंधन की 6वीं किस्त, CM साय जारी करेंगे किस्त, महतारी बंधन ऐप की भी होगी लॉन्चिंग। आज प्रदेश की लाडली बहनों को खुशखबरी, रक्षाबंधन के पहले बहनों को मिलेगी खुशखबरी,